हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे आप लोग? मैं हूं समान। भाई साहब, आपने काफी यूट्यूब पर वीडियो देखूंगी कि भैया ये सब बना दिया, सोलर पैनल लोग ये सब बना दिया, यहाँ तक जिस ब्लेड से हम बगल साफ करके फेंक देते हैं बिल्कुल चुप, उससे भाई साहब बना दिया सोलर पैनल, तार से बना दिया सोलर पैनल, तार लपेटा भैया बन गया सोलर पैनल, लो भाई साहब चल रहा मोटर। किसी भी तरीके से आजकल लोग सोलर पैनल बना देने पर यूट्यूब पर, तो भाई साहब आज हम देखेंगे क्या सोलर पैनल घर पर बनाया जा सकता है, काम कर सकता है। गाइस, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि भाई साहब बेटर से बेटर बने। भाई आप जानते हो, आप विश्वास करते हो, यहाँ पर गाइस आपको बिल्कुल 100% जेन्युइन जानकारी मिलती है। ये थोड़ा सा नमक डालता है मैं तो ये ऐसे हाथ हो गया। कितना करंट देगा, कितने वोल्टेज आउटपुट देगा, कितने का बनेगा, बनाया जा सकता नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। हाँ, वो लड़के साइड वाले शाबाशी दे रहे हैं, यहाँ चुपचाप बैठो, तुम सतरो, तुम्हारा पत्ता काट दूंगा। ओके, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। तो गाइस ऊपर चढ़े भैया, काफी टाइम हो गया है और वीडियो काफी लंबी जाएगी, तो गाइस फटाफट नीचे उतरते हैं भैया, बिना सीढ़ी का उतरना पड़ेगा। समर एक्सपेरिमेंट। भाई साहब, भाई मैं इलाज करवाया घुटने का, काफी दर्द हो रहा था, और भैया मुझे गाइस इस हाथ में कुछ चाहिए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब जी, हाँ। तो गाइस ये है पीसीबी, और भाई ये मैं कहाँ से लेकर आया हूँ? भाई साहब इसका मैंने ऑलरेडी व्लॉग बना दिया है, और ये मेरे को गाइस 30 रुपए का मिला है। तो भैया इस पर वो करने वाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, भाई साहब हम इस पर करने वाले हैं पेंट, PAINT वाला पेंट। अरे तू जा रही? तो भाइयों और मेरी दो चार बहनों, दो चार का ही अफोर्ड कर सकता हूँ मैं, राखी बांधते हुए काफी लूट लेती है मेरे को। तो भैया यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा पीसीबी, और भाई साहब बैक साइड से जहाँ पे सोल्डरिंग की साइड से नहीं ना, ये गलती मत कर देना, यहाँ से बाद मुझसे हो गया समय नुकसान हो गया 30 रुपए का। तो भैया जी मैं इस पर करने वाला हूँ ब्लैक पेंट, क्योंकि आप जानते हो भैया हीट को ज्यादा अब्सॉर्ब करता है ब्लैक पेंट। भाई साहब ये सूख चुका है और मुंह काला तो नहीं कर रहा, क्यों गाइस ब्लेजर वाले तेरा मुंह काला? तो भैया हो जल्दी सूख जाता है 10 मिनट में। तो भाई साहब अब चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट तरफ, जो कि भाई साहब बिजली बनाएगा, जो कि मैनुअल अदा करेगा। चलिए, नन्ने मुन्ने मट्टू, सॉरी लाइन भटक गया, नन्ने मुन्ने आदमी तेरी मुट्ठी में क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। मेरी मुट्ठी में गाइस यहाँ पे देख सकते हो जेनर डायोड, और भाई साहब ये सब 12 वोल्ट में है, आप कोई से भी ले सकते हो, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, अलग अलग वोल्ट में आते हैं, ठीक है भाई, ये 100 पूरे 100। अब भाई साहब इस जेनर डायोड को हमें इस पीसीबी के अंदर लगाना है, यानी गाइस लगाकर सोल्डिंग करनी है, कितने गैप में देना है, कैसे कैसे करना है वो भी जानेंगे, तो जाने के जान लेते हैं यार। वैसे गाइस आप इसके साइज पे मत जाना, मैंने पूरे पकड़ दिया है, जितने पे लगेंगे लग जाएंगे, बाकी हम तोड़ के रख लेंगे, गाइस ये आराम से टूट जाता है। गाइस जोड़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, यह है जिनर डायोड, और भाई ये जो आप ब्लैक पार्ट देख सकते हो ये भी माइनस का, यानी कैथोड का, और भाई ये बाकी पार्ट है एनोड का। तो भाई हम सारे सीरीज में लगाएंगे, एनोड में कैथोड, यानी कि आप कह सकते हो गाइस ये माइनस ये प्लस, 5 को सिर्फ सीरीज में जोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर पैरेलल में कर देंगे। जोड़ने काफी तरीके हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग तरीके से जोड़ेंगे। तो भैया मैं आपको करके दिखाऊं, देखिए गाइस सबको सीरीज में जोड़ना है, सपोज करो देखो भाई मैंने ये लगा दिया, ठीक है, तो गाइस ये एक लग गया, देख रहे हो, उसके बाद दूसरा भैया जिनर डायोड लेना है, देख सकते हो इसे भैया सीरीज में ऐसे जोड़ देना, जो एनोड है उसमें कैथोड जुड़ेगा, तो भैया ऐसे में 5 लाइन बना देता हूँ। तो भाई साहब देखिए पूरा 1 घंटा लगा भाई ना जोड़ने में, काफी वक्त लगता है, मेहनत तो नहीं लगती, लेकिन हाँ भाई साहब वक्त बहुत लगता है, और टाइम इज मनी, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो खैर जो बात है गाइस, यहाँ पर थोड़ा जो एक्स्ट्रा निकला हुआ ये बोर्ड मैं इसे कट कर दूंगा। है भाई साहब मशीन ऐसी धुआं उड़ा दे और जिंदगी में आग लगा दे। देखिए भाई साहब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से जुड़े हैं 5 के 5 सीरीज में, और भाई साहब ऐसी 20 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी ये पूरे 100 यानी कि 100 डायोड हो चुके हैं। तो भाई अभी से हम पहले में जोड़ लेते हैं। तो भैया सारे पैल में कनेक्ट कर दिए, देखिए ये रहा पूरा और भाई ये रहा, और बीच में सारे सीरीज में है। तो भाई साहब ये रहा नेगेटिव और ये रहा पॉजिटिव, पता कैसे करोगे? सेम वही जो मैंने बताई थी, ये वाला पॉजिटिव है और भाई ब्लैक पार्ट ये नेगेटिव है। तो लीजिए भाई साहब बन चुका हमारा होममेड सोलर पैनल। अब भाई साहब बनाना बहुत आसान है, आपने देख लिया, लेकिन भाई ये काम कितना करता है? सैलरी हमने जो दी है इसे बनाने में 80-90 रुपए खर्च आया है। ये जिनर डायोड में कहां से लाऊं, कितने का लाऊं, आप जाके व्लॉग देख सकते हो, बहुत मस्त व्लॉग है, मजा जाएगा, और आपको इसके रेट भी पता लग जाएगी बिल्कुल एक्चुअल। तो भैया अब आती है इसकी बारी टेस्टिंग की, भैया कितने वोल्ट देता है, क्या क्या चला सकता है। सबसे पहले भाई बात हो इसका आउटपुट क्या है, कितने वोल्ट देता है, उसके हिसाब से हम तय करेंगे इससे क्या चलाया जा सकता है। तो भाई चलते हैं बाहर। तो भाई ये रहा हमारा मल्टीमीटर, ये रहा हमारा पैनल, मैंने
वायर थोड़े छोटे कर दिए जिससे कि कोई आपको फेंक ना लगे। ये रहा और भाई वायर पन, ओहो वायर टूट गया, बहुत बढ़िया करा। चले गाइस डार्ट इस पे लगा लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ही बात है ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव। ओ भाई देखिए 2.14, देख गाइस 2.14 वोल्टेज आउटपुट आ रहे हैं। तो भैया मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करके इसे ढकता हूँ, देखिए बंद, देखिए देखिए 2.12 और देखिए देखिए पूरा कवर करता हूँ गाइस, काम तो कर रहा है आपके सामने लाइव बिल्कुल। देखिए 2.11 वोल्टेज आ रहे हैं और मैं इसकी डायरेक्शन भी चेंज करके देखता हूँ। आई थिंक डायरेक्शन तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, चलिए बुरा मान रहा है। कभी 0.7 0.83 0.82 इस तरह से वोल्टेज दे रहा है, दे रहा अब 2.10 ये आउटपुट दे रहा है। अभी गाइस मैंने भी कुछ टच कर रखे हैं, ठीक है। अब भाई से इससे कुछ चला के देखते हैं कुछ चल पाता है या नहीं चल पाता है। गाइस यहाँ पे एक बूस्टर मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, क्या पता इसके वोल्टेज बढ़ जाए, तो गाइस ये 2 वोल्ट से ऊपर दे रहा है, लेकिन एम्पियर मैटर करता है। तो भाई मैं इसे यहीं पर डार्ट लगा देता हूँ। ये रहा भैया पॉजिटिव जो कि है इन, यानी कि आओ आओ, क्या पता इसके कुछ हालत सुधर जाए। तो भैया चेक करते हैं, नहीं ओह माय गॉड ये तो आउटपुट ही दे रहा। सही है कि हमारा मीटर आई वाह, ये आउटपुट ही नहीं दे रहा, आई थिंक ये सारे पावर्स के लिए जा रहा है मॉड्यूल। तो भैया इस मॉड्यूल को हटाते हैं, वैसे एक पैर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, धूप ही मंदी हो रही है। देख गाइस मॉड्यूल आगे चल ही नहीं रहा भाई, ये देखिए मॉड्यूल हटा दिया तो भाई ये चल रहा है। गाइस मैंने एक डिवाइस बनाया था पहले, बहुत पहले की बात है। तो भैया देखिए LED ठीक आपको चमक रही है, ठीक है अब नहीं चमकेगी, क्योंकि ऐसी ये सिंपल सी बात है, बहुत गरीब LED बेचारी, बहुत कमजोर होती है। भाई मैंने LED सीधा यहाँ पर सोल्डिंग कर दिया, ये देखिए ये जो लाइन है ये पॉजिटिव कनेक्ट है और वही नेगेटिव कनेक्ट है। वैसे गाइस ये 2 वोल्ट आउटपुट दे रहा है अच्छा खासा, तो इससे LED जल जानी चाहिए, ग्लो तो हो जानी चाहिए कम से कम। तो एक बार गाइस हम देखते हैं कि भाई चलती है नहीं चलती है। पहले तो गाइस मैं देख लूँ, आपको तो जब दिखेगी। तो भाई पहले मैं इस पर लगा देता हूँ जिससे गाइस पता लग जाए कि भाई इससे कम से कम एक LED तो चल जाए। अरे चल जाए बहन, नहीं भाई साहब बिल्कुल भी LED से ग्लो नहीं हो रही जो आपको दिख रही ना गाइस, ये पीछे से थोड़ी सी लाइट पड़ रही है ना, देखिए नहीं भाई साहब नहीं, देख रहे हो दिख जानी चाहिए थी लेकिन गाइस इससे LED तक नहीं चल रही। क्या कह सकते हैं, एक बार और इसके वोल्टेज चेक कर ले, देखिए वोल्टेज देखिए गाइस 1.40 वोल्टेज ही दिखा रहा है। भाई मैं LED निकाल के चेक करता हूं, देखो गाइस 2.11 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। और मैं अगर LED को लगाता हूं, LED का जो वायर लगाता हूं, थोड़ी सी पावर कंज्यूम तक करती है LED, लेकिन भाई ग्लो नहीं हो पाती, देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो गए 1.46। तो गाइस हम इसे कहेंगे पैसा बर्बाद। गाइस जो 20 मिली एम्पियर पहले जलती है, बल्कि उससे थोड़ा सा कम भी पे चल जाती है, लेकिन भाई उसको भी जला नहीं पाया। तो भाई एम्पियर नाम के तो कोई चीज नहीं होती भाई साहब, वोल्टेज वोल्टेज 9 एम्पियर आउटपुट। और भाई मैंने आपको याद होगा एक सोलर पैनल और बनाया था जो कि ट्रांजिस्टर से बनाया था, आई थिंक 55-30 था उसका नंबर, ट्रांजिस्टर से बनाया था मैंने, उसने भी हल्की सी LED ग्लो कर दी थी। नहीं देखा तो गाइस मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वीडियो आप जाकर देख सकते हो। तो भाई साहब आपने देखा होगा वीडियो में कि गाइस खाली वोल्टेज दिखा दिया, आपने समझ गया हाँ भाई ये काम कर रहा है, जबकि भाई से ये सिर्फ दिखाने के लिए काम करता है भाई साहब। 100 रुपए के करीब, मतलब 80-90 रुपए करीब गाइस मुझे पड़ा है। तो गाइस मैंने ये टेस्ट करने के लिए बनाया है, काफी लोगों ने गाइस बना के देखा होगा प्रोजेक्ट के तौर पर कि काफी चीप ही मिलते हैं जीरो डायोड। भाई एक बात और, अगर मैं इसे चला देता बाई चांस कैसे भी, मतलब गड़बड़ घोटाला करके चला देते भैया, तो बहुत ज्यादा लोग लाइक करते वीडियो को कि भाई लाइक मार दो लाइक ठोक दो, भाई ने चला दिया। खैर गाइस ऐसा यहाँ पर नहीं होता भाई साहब, जो रियल है आपके सामने दिखाया गया है। अब भाई ये चल नहीं सकता, तो गाइस हम सोलर पैनल घर पर नहीं बना सकते, हाँ थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाकर जैसे LED से बना दिया है ना, मतलब कि बनाते हैं काफी, लेकिन भाई मतलब बहुत कम एम्पियर में निकाल लेगा, उसको कुछ काम नहीं होगा। तो भाई हम यही कहेंगे कि भाई सोलर पैनल घर पे नहीं बना सकते, अगर भाई साहब घर पर सोलर पैनल बना सकते हैं तो गाइस हम घर पर ही बना लेते, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री इतनी बड़ी कंपनियां नहीं खुलती। तो गाइस आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा नहीं लगा होगा, तो प्लीज दोस्तों फिर भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि गाइस मैंने आपको सच्चाई दिखाई बिल्कुल। तो प्लीज दोस्तों अपने पैसे और टाइम बर्बाद ना करें, थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।